मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में गश्त कर रही पुलिस वैन को सिरोल पहाड़ी के नीचे बीती रात एक लग्जरी कार में युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज विवेचना शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात गश्त पर निकली सिरोल पुलिस को पहाड़ी के नीचे लग्जरी कार क्रमांक MP07CH2048 में एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। मृतक का नाम सचिन तोमर पुत्र शिवीर सिंह तोमर निवासी पुरुषोत्तम विहार कॉलोनी गोली का मंदिर बताया जा रहा है। सचिन पेशे से ठेकेदार था और गुरुवार शाम घर से मोहना पैसे लेने जाने की कहकर निकला था। पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान सचिन संदिग्ध अवस्था में कार के अंदर बंद मिला और परिजनों को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया। जब परिजन कार की दूसरी चाबी लेकर मौके पर पहुंचे और कार का गेट खुलवाया तो वहां पर मृतक अवस्था में मिला। सचिन के पिता शिवीर सिंह के अनुसार गुरुवार शाम उनका बेटा तकरीबन 8:30 बजे मोहना पैसे लेने जाने की कहकर निकला था और उसने यह भी कहा था कि वह देरी से आएगा। रात 12 बजे बाद सचिन का मोबाइल बंद हो गया। उसके बाद रात लगभग 3:30 बजे पुलिस ने घर पहुंचकर सचिन को सिरोल पहाड़ी के नीचे संदिग्ध अवस्था में कार में बंद मिलना बताया था। शिवीर सिंह बताते हैं कि सचिन का किसी से एक ऐसी दुश्मनी नहीं थी जिससे हत्या का अंदेशा हो। फिलहाल पुलिस ने सचिन के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मर्ग कायम कर बारीकी से विवेचना शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम तो शिवीर सिंह तोमर है। क्या पूरा घटनाक्रम हुआ है? घटनाक्रम तो नहीं, घर से गया था शाम को 8:30 बजे के आसपास। ये कह के कि मैं मोहना जा रहा हूँ और वहाँ से कुछ पैसे लेने हैं मुझे और मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा पापा आने में। ये बातें करीब 10 बजे की। मैं कि चलो लेट हो जाएगा तो अभी से क्या फ़ोन बार बार करना। हमने लगाया करीब 12 बजे फ़ोन तो उसका स्विच ऑफ आया वो। तो मैंने क्या घर के दरवाजे मतलब ऐसे चैनल खींच दिया था, मैं नहीं आएगा तो चला जाएगा ऊपर वाली मंजिल में रहता था वो। अब वो उसके बाद मैं थोड़ी नींद लग गई 12:00 बजे से करीब। अब सुबह जब पुलिस पहुंची वहाँ घर पे 3:30 बजे के करीब, तब फिर बाहर आए लेके तो बोले ये गाड़ी का नंबर आपका नहीं है, ये तो हमारी गाड़ी है। बोले उसके अंदर एक कोई आदमी लेटा हुआ है और वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, आपने गाड़ी थपथपाई है काफ़ी और गाड़ी लॉक है, दूसरी चाबी आप लेके चलो। फिर चाबी लेके आए, आके खोल के देखी गाड़ी तो जब तक बॉडी काफ़ी। क्या नाम था आपके बेटे का? नाम सचिन तोमर। उम्र कितनी? करीब 35 साल। किससे पैसे लेने गया था, क्या काम करते? अच्छा जी, तो उसने बताया नहीं कुछ, मतलब उसके वैसे काम थे ठेकेदारी के छोटे छोटे। नहीं वो तो ऐसे कोई निशान तो नहीं दिख रहे थे फिलहाल। आपको क्या लग रहा है? भाई देखो, एक तो उसकी मोबाइल गायब है और गाड़ी को जो भी वहाँ खड़ी की है, क्योंकि पीछे वाली सीट पे मिला है हमें और सीट में भी इसका मुंह मतलब काफ़ी ऐसे नीचे की तरफ था और गाड़ी की चाबी भी नहीं है। किसी कोई रंजिश वगैरह? रंजिश तो भाई अब ऐसी छोटी मोटी किसी से होगी तो होगी, या बच्चों की होती रहती है, हमें तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है। आज रात्रि में ऐसा ही राहुल साहब का गश्त था। गश्त के दौरान एक गाड़ी सरल पहाड़ी के नीचे खड़ी पाई गई जिसमें एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में पड़ा था, जिसको बाहर से गाड़ी ठुक के टोका गया तो उसको अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो उसे जब घर वालों को सूचना करके गाड़ी का नंबर देख के घर वालों को सूचना दी, घर वाले जब चाबी लेकर आए तो वो संदिग्ध अवस्था में मरा हुआ मिला। क्या लगता है, क्या नाम है उसका? मतलब मृतक का नाम सचिन तोमर है। क्या लगता है कैसे क्या मौत हुई है? उसका PM कराया जा रहा है, PM के बाद जो PM रिपोर्ट प्राप्त होगी उससे स्पष्ट हो जाएगा उसकी मौत कैसे हुई। उसका सामान भी गायब था, मोबाइल। परिजनों का कहना है कि उसके मोबाइल नहीं था, लेकिन गले में जंजीर जो पहना था, गले में जंजीर तो थी। क्या करता था ये? रही वगैरह में काम करती। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।